हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो पूरा दिन तो मेरा ऐसा चला गया है क्योंकि आज मेरा व्रत है, आज नवरात्रि है। तो हैप्पी नवरात्रि सभी को। आई होप कि आपकी फैमिली सब अच्छे होंगे। तो अब मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर, तो मंदिर जाके देवी माता का दर्शन करता हूँ। और उसके बाद दर्शन करने बाद मैं कुछ फल फ्रूट खाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, क्योंकि तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गया ना। पानी तो पिया हूँ मैंने, दो जैसे फल व्रत में खाते ना, तो वो सब अभी तक नहीं खाया। मॉर्निंग से अभी तक नहीं खाया हूँ। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखो टाइमिंग, देखो कितना हो गया। लगता है इतना अमाउंट बैंक से कट गया मेरे। 5:58 हो रहा है, देख लो शाम हो रहा है अभी। तो चलो चलते हैं मंदिर। मंदिर से दुर्गा माता का पंडाल में जाता हूँ, वहाँ पर मंडप में दुर्गा माता बैठी हैं। तो वहाँ से दर्शन करके आज है येलो कलर, तो मैं डार्क पूरा येलो नहीं है। तो चलते हैं और एंजॉय करूँगा। और आज गरबा है तो गरबा भी खेलेंगे। ओके, मिलता हूँ। जा रहा हूँ मंदिर। ये देखो अभी ये सब खा लिए, थोड़ा टाइम वेट करो, ये पूरा भर जाएगा, पूरा क्राउड सब गरबा खेलेंगे। और मैं इधर हूँ, कार वाला पैप पैप कर रहा है। अभी हम जा रहे हैं इस गेट के अंदर। क्राउड कितना है आपको दिखाता हूँ। अरे पब्लिक का कुछ पता ही नहीं यार। लेट हो गया मुझे आने में, टाइम देखो 10:18 हो गया, 10:18 हो गया। इसके लिए गरबा बंद हो गया है, देख लो, नहीं तो ये पूरा क्राउड हुआ करता था। चलो फिर अब अपने एरिया में गरबा खेलते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट दिन था इसके लिए गरबा। फर्स्ट दिन का अलाउ उतना टाइम तक नहीं किए थे, नहीं तो 12 बजे तक होता था। जा रहा हूँ फ्यूल भराने के लिए। लोग बहुत भूखा है इसका, ये सिग्नल दे रहा है ख़त्म होने वाला। जा रहा हूँ 1 लीटर भराने के लिए इसको। पेट्रोल भरा के फिर जाऊँगा घर पे, क्योंकि थोड़ा गरबा भी खेलना है। यहाँ तो गरबा नहीं चल रहा है, बट पता नहीं क्यों लोग ने बंद कर दिया। तो अभी जाता हूँ, हमारे एरिया में गरबा हो रहा है, वहाँ पर खेलना है। फ्यूल पंप पे HP, अभी फ्यूल भरा के फिर निकलता हूँ। ये देख रहे हो भाई लोग कितना ट्रैफिक लगा है, पूरा लाइन से लाइन ट्रैफिक लगा है हाईवे पे। बहुत कम है यार।
सेल कर रहा है। ये देखो पेमेंट कर दिया मैंने। कितना रुपए लीटर है देख लो, मुंबई में कितना रुपए लीटर है पेट्रोल आप देख सकते हो। कहाँ है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 103 रुपए लीटर है यहाँ पर पेट्रोल, बट यहाँ पे लिखा तो नहीं है, पर मैंने 107 रुपए का पेट्रोल भराया। ओके, अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही है। देखो अभी एक खुटी आगे बढ़ गया ना, एक पॉइंट, देखो अभी पेट्रोल है इसमें, भर दिया। अब चलते हैं, निकलता हूँ, बाय बाय पेट्रोल। चलो भाई देखो इधर मेला लगा है, वाओ कितना अच्छा दिख रहा है। आपका भाई एक हाथ से चला रहा है, ये खाकर सो जाता हूँ। बादाम है और केला है और सेब है और दूध भी है, खाकर सो जाऊँगा। कल मेरा व्रत टूटेगा, कल नहा धो के खाना खाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सोकर उठ रहा हूँ मैं, अभी जाता हूँ नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद पूजा करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। भूख बहुत ज़्यादा लग गया है मुझे, पहले अपना गेटअप सही करता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। ओके, मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद। ये लो मैं नहा के निकल गया। आपको एक बात बताओ, जब मैं इस तरह से नहा के निकलता हूँ ना, तो मेरी मम्मी क्या बोलती है, देख भूत आ गया, देख घर में भूत आ गया। बाल कितना बिखरा बिखरा है, देखो इतना बड़ा है, यहाँ तक टच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फटाफट बाल झाड़ता हूँ, कपड़ा पहनता हो, उसके बाद देखो आगे। ये देखो पहन लिया, अब आपको हेयर खोल के दिखाता हूँ, कितना बड़ा बड़ा है, कितना सिल्की है। जल्दी हेयर कटवाने वाला हूँ, कम से कम देखो इतना बड़ा रखूँगा हेयर, इतना बड़ा देखो, इतना बस इतना, ये देखो इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इतना बड़ा बड़ा बाल रखने के लिए। फिर भी रख लेता हूँ आपका भाई, अभी जल्दी कटवाने लगता है यार। पर इसका जो खुशबू है ना बहुत अच्छा आता है, जब मैं कंडीशनर अलग अलग शैम्पू अलग अलग ये यूज करता हूँ, क्या बोलते हैं इसको सीरम बोलते हैं, सीरम और भी बहुत सारे ऑयल यूज करता हूँ, तो खुशबू बहुत अच्छा आता है मेरा बाल का। जय माता दी। पूजा कर लिया, अभी ये प्रसाद मिला, चलेगा बाबू चलेगा इतना। चलो अब मैं घर पे जाता हूँ, ये मेरे घर के बाजू में बैठा है ये। जय शेरा वाली माता की जय। आ गया, अब ये प्रसाद खाता हूँ, आप लोग भी खा लो प्रसाद। अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, ये देखो इसमें रोटी है, इसमें चावल है, इसमें सब्जी है। भूख बहुत ज़्यादा लग गया है, खाना खाता हूँ। ओके, खाना रेडी है अभी। ये देखो कितना रोटी है, बता रहा हूँ आपको, देख लो कितना रोटी है। अरे यार इसमें कितना रोटी है, मैं सब खा जाऊँ, भूख बहुत ज़्यादा लगा है। देखो 1 2 3 4 5 रोटी है,
इतना चावल है, मैं चावल बहुत कम खाता हूँ, भात और ये सब्जी है। सब्जी का हालत देखो पहले इतना सा ले लेता हूँ, इतना क्या कौन खाएगा पता है, ये भगवान के लिए, मतलब समझो कि चूहा बहुत सारे घर में, ये लोग को खा जाएंगे, या तो चींटी कुछ भी खाएगा, मतलब समझो भगवान ने खा लिया। पशु विश्वनाथ कौन है? हमारे महादेव जी हैं। ओके अब भाई थोड़ा सा खाता हूँ थोड़ा सा नहीं पूरा खाता हूँ देखो भाई ये है रोटी। पूरा रो खाऊंगा तो स्पेस तो रहना चाहिए ना इसको कूचने के लिए। 24 आवर के बाद मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा व्रत कंप्लीट हुआ। मैंने 2 तारीख को खाना खाया था रात को, उसके बाद 3 तारीख को नवरात्रि था, आई मीन कल, तो कल पूरा व्रत था। उसके बाद पूरा दिन गया, कल कल सुबह से लेकर शाम तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि सोया हुआ था, व्रत रखा था, मैं काम पे नहीं गया, मुझे पता था भूख लगेगा इसके लिए मैं जॉब पर गया नहीं, तो घर पे बैठे बैठे टाइम पास कर रहा था और व्रत तो था ही था। मैं इवनिंग में नहाया, फिर मंदिर गया, आई मीन जो वहाँ मेरा दोस्त लोग मंडप में बैठा है मूर्ति, वहाँ पर गया पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर घर पे आया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर हाँ फिर बाहर गया, फिर गरबा खेलने गया था तो वहाँ पर खेल नहीं पाया, बंद हो गया था, लेट हो गया था, फिर उसके बाद पेट्रोल भरा गया, फिर आया घर पे, फल उल खा के सो गया, फिर मॉर्निंग उठा नहा धो के फ्रेश हुआ, फिर अभी पूजा करके खाना खा रहा हूँ ओके मैं खाना खा लेता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ। ओके जा रहा हूँ जॉब पर मैं, टाइम हो गया है, देखो कितना हुआ, 1 बजने वाले हैं, तो मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो चलता हूँ जॉब पर, मिलता हूँ कंपनी में, ब्लॉक एंड करूँगा, लाइट बंद कर देता हूँ बिजली बचाओ। कंपनी आ गया, बहुत ज़्यादा भी धूप है, देख लो सन, अभी इसको ढक देता हूँ नहीं तो मेरी गाड़ी थोड़ी काली हो जाएगी बेचारी नहीं यार मतलब रंग ना उतर जाए थोड़ा, बहुत इज्जत करता हूँ मैं, इसको ढकता हूँ, पूरा कवर कर दिया। देखो इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा गर्मी है, बाप रे धूप। अभी खाना खा रहे हैं, कहा भैया जय श्री राम। अभी कंपनी है मेरा, देख लो ये सब बन रहा है, कितना बड़ा बड़ा एल्बो है। चलो मैं अभी काम करता हूँ, अपना ड्रेस चेंज करता हूँ कंपनी का, ये देखो ये पहनता हूँ फटाफट, उसके बाद काम पे लग जाता हूँ। कंपनी में आ गया हूँ, अभी काम करता हूँ, अभी देखो टाइमिंग देखो कितना हो रहा है, देखो 1:12 हो गया है, अभी काम करता हूँ, अभी 9 बजे तक मेरे को काम करना है, 8 घंटा काम करके फिर उसके बाद घर पे जाऊँगा, यही मेरा जॉब है। तो देख लो ये CNC मशीन चलाता हूँ मैं, आप लोगों को पता होगा, और ये भाई मेरा ऑपरेटर है, और मैं भी एक ऑपरेटर ही हूँ, मैं इंजीनियरिंग हूँ, हाँ इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ जो कि ये सब काम करता हूँ, लेथ मशीन चलाता हूँ, हर एक चीज़ हाइड्रोलिक का काम करता हूँ, ये भी भाई एक इंजीनियर ही समझो, देख लो ये सब इंजीनियरिंग लाइन में आता है। ओके जो ये मशीन के बारे में पता है उसको सब कुछ पता है, ये किस चीज़ के लाइन में आता है, यहाँ पर हाइड्रोलिक का सारा मटेरियल बनता है, ट्रेन का पार्ट और बड़े बड़े गाड़ी का पार्ट, 4-व्हीलर 2-व्हीलर जितने भी है, हाइड्रोलिक लाइन में ऑयल पंप पे सारा पार्ट, ये सब मशीन बनता है, ये CNC मशीन, लेथ मशीन, BMC मशीन, बहुत सारे मशीन होते हैं, ड्रिल मशीन, बिलिंग मशीन, सब कुछ बनता है। ओके तो मैं ब्लॉग यहीं तक एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय गाइज, आई होप कि मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो मिलता हूँ रात में, अभी मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, दूसरा ब्लॉग में मिलूँगा, अभी गरबा के साथ में मिलूँगा दूसरे ब्लॉग में, तो जय माता दी, बोल भाई, जय माता दी, जोर से बोलो, जय श्री राम, और एक बार जोर से बोलो, जय माता दी बोलना, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, ओके बाय।